अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने बालसन चौराहे पर प्रदर्शन कर अपने 12 सूत्री मांग को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंप दिया ज्ञापन। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि प्रजातांत्रिक भारत देश संविधान के अनुसार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत गांव के विकास हेतु संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243(6) के तहत 29 विभागों के संचालन का अधिकार जिस तरह से ग्राम पंचायत को दिया गया है, जिसके मुखिया ग्राम प्रधान है, जिसमें प्रमुख रूप से सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑडिटर, शौचालय केयरटेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अलग से करने का वादा किया गया था, उसको तत्काल अमल में लाया जाए। एव रजिस्टर्ड डिप्लोमा होल्डर अथवा जनपद में नियुक्त किसी भी तकनीकी सहायक से स्टीमेट बनवाने की छूट का प्राविधान का सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था, जिसको तत्काल लागू किया जाए। जिले के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों की सहभागिता में पंचायतों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जनपद स्तर पर माह में एक बार जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पंचायत दिवस मनाए जाने की भी मांग की गई है और जिला योजना समिति में प्रधानों को प्रतिनिधित्व देने का वादा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी तक अमल में नहीं लाया गया सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ये भी कहा गया कि इन सारे बिंदुओं को जल्द से जल्द सरकार लागू करें। आज हम इस गांधी मैदान में खड़े होकर स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार का नारा देने वाले महात्मा गांधी के चरणों में अपना शीश अर्पित करते हुए पंचायत के प्रतिनिधि और 73वां संविधान संशोधन में जो हमें अधिकार मिले, 29 विभाग के हम अध्यक्ष हैं, लेकिन आज की सरकार और इससे पहले की भी सरकारों ने लगातार पंचायत के अधिकारों को कम कर दिया है। आज की स्थिति तो यह बनी है कि पंचायत के प्रतिनिधि अपने आप को समझ रहे हैं कि हम सरकार के नौकर बनकर रह गए हैं, हम प्रतिनिधि नहीं रह गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पंचायत की जो मूल भावना थी और पंचायत जो अपने कार्ययोजना बनाकर अपनी ग्राम सभा में बैठक करके जो कार्ययोजना पास करता था, उस पर काम करता था, जिस पर रमेश और मुकेश के नाली का काम होता था, जिस पर महेश और रीमा के घर के खड़ंजे का कार्य होता था और जिस पर इंटरलॉकिंग का कार्य होता था और ग्राम सभा के तमाम कार्य हैंडपंप रिबोर और हैंडपंप मरम्मत का कार्य होता था, आज सरकार ने पूरा बंद कर दिया है। सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि पहले आप पंचायत बनवाएंगे, आप स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग को बनवाएंगे, आप प्राइमरी विद्यालय को सजवाएंगे। और मैं पत्रकार बंधु आपसे बताना चाहता हूँ, इस सरकार को भी बताना चाहता हूँ, उस प्राइमरी में हमारा पूरा पैसा लगवाने का कार्य किया जा रहा है जिस प्राइमरी का मैं अध्यक्ष हूँ और हमारा सचिव प्रधान अध्यापक है। लेकिन मैं अपने ग्राम सभा के गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं उनको पढ़ाने के लिए अगर उस अपने सचिव को कह दूं तो वो 354 जैसे धारा में FIR कराने का कार्य करता है और सरकार कह रही है उसी बिल्डिंग को आप सजवाने का कार्य करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इससे पहले की सरकारों ने अलग से पैसा देकर इन बिल्डिंगों पर सजवाने का काम किया करते थे, बनवाने का कार्य किया करते थे, लेकिन आज की यह चुनी हुई जो सरकार है, जिसको मुझे कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, गांजा पीकर बैठी हुई है और पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ जो भी यह अन्याय कर रही है, इसको समझना होगा कि अगर पंचायत से लगभग 15,000 से 20,000 सदस्य प्रयागराज का यह निर्णय ले लिया है कि चुनाव से पहले हमारे अधिकार को यदि वापस नहीं किया गया तो हम अपने गांव में इस भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे और उसको गांव में घुसने नहीं देंगे। आपका परिचय? सत्येंद्र त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रधान संगठन, उत्तर प्रदेश।